क्वेश्चन नंबर सेवन सिक्स वी हैव डन ना, तो क्वेश्चन नंबर सेवन कर रहे हैं, बैंकिंग एंट्रीज है वो। हाँ जी, फर्स्ट एंट्री है आपकी अप्रैल 1 को। जर्नल का फॉर्मेट बना लो बेटा, हाँ जी बताओ। डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ अ बिजनेस एंड सेविंग अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। तो अगर सेविंग अकाउंट आता है तो वो ड्राइंग्स होती हैं, अगर करंट अकाउंट आता है तो वो बिजनेस का अकाउंट है, तो उसे हम नॉर्मली बैंक अकाउंट डील करते हैं। नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। Opening the question one second. क्वेश्चन 8.50, पेज नंबर 8.50, क्वेश्चन नंबर सेवन। सो डिपॉजिटेड इन बैंक द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000 के साथ आपकी जर्नल एंट्री आ जाएगी। हाँ जी बोलो। अप्रैल 2 विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, इट्स नॉट रिटर्न, इट इज फॉर ओपनिंग फॉर प्राइवेट यूज। सो इट्स नॉर्मल एंट्री इज विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। राइट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5,000 ईच। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर 12,000 लास्ट ईयर, अलॉट हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। तो 12,000 के ऊपर हमें 1% डिस्काउंट मिला है, तो हमने कितनी पेमेंट रिसीव की? हमने की 12,000 माइनस 1,200, डिस्काउंट ही नहीं हमारा, ये डिस्काउंट हो गया। तो हमें चेक कितने का मिला? 10,800 का हमें चेक मिला है बैंक में जो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमने चेक रिसीव किया तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि उस चेक को हमने डिपॉजिट या कुछ और तो नहीं किया। तो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर सेवन, अप्रैल 7 को द चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक। इट मीन्स 5th को हमने वो चेक डिपॉजिट नहीं करवाया है, वो बैंक में 5th को नहीं गया है। अप्रैल 5 को इट इज नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? चेक्स इन हैंड। तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी चेक्स इन हैंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रमेश। चेक्स इन हैंड में चला जाएगा 10,800, डिस्काउंट में 1,200, और 12,000 आपका रमेश के अकाउंट में चला जाएगा। अब अप्रैल 7 को हम क्या करेंगे? हम इस चेक्स को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। तो जो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। अब ये बैंक में जाएंगे चेक्स। इज इट क्लियर बेटा? हमें जब भी चेक मिलेगा हमें ये देखना पड़ेगा कि वो चेक हमने
किसी नेक्स्ट डे डिपॉजिट तो नहीं करवाए हैं. इफ द चेक इज डिपॉजिटेड सम अदर डे तो हम उसको चेक्स इन हैंड लिखते हैं, और जिस दिन वो डिपॉजिट करवाए जाते हैं उस दिन टू चेक्स इन हैंड उस दिन हम बैंक में डालते हैं. उसके बाद April 9 रमेश चेक्स डिसऑनर्ड. अब जब उसका चेक डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर में मैंने आपको बताया था कि योर एंट्री गेट्स रिवर्स्ड, राइट? तो आपने जो उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है वो भी रिवर्स हो जाएगा. तो आपकी और बैंक चार्जेस हैं 20. तो April 9 को आपकी एंट्री बन जाएगी हेयर रमेश अकाउंट क्रेडिट. तो रमेश फिर से डेटर बन गया हमारा, क्योंकि उसने जो हमें चेक दिया था वो कैंसल हो गया, तो वो फिर से डेटर बन गया. ठीक है, इवन जो 20 रुपीज बैंक चार्जेस हैं वो भी रमेश ही बेयर करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट वो हमें जो है वो चेक बाउंस हुआ है. तो 20 रुपीज जो बैंक चार्जेस है वो भी रमेश ही देगा. रमेश विल बी डेटर टू बैंक. बैंक में अब हमारा क्या आ जाएगा, जितना चेक्स है प्लस बैंक चार्ज. ठीक है, सिर्फ सॉरी, तो आपका बैंक में आ जाएगा 10,800 चेक्स और जो बैंक चार्जेस हैं वो. कितना बन गया हमारा, 10,800 प्लस 20. टू डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है वो भी हम वापस दे देंगे उससे. अब देखो ये एंट्री समझ आई. वाई दिस ओनर का मतलब है कि हमने उससे पेमेंट लेनी थी पर वो कर नहीं पाया, तो वो फिर से डेटर बन गया. डेटर मीन्स एसेट इंक्रीज हो गई, इसलिए रमेश फिर से डेबिट हो गया. बैंक हमारा कम हो जाएगा क्योंकि बैंकर हमारा क्रेडिटर बन गया, उसको हम वापिस करेंगे और डिस्काउंट अलाउड भी हमारा वापिस ले लेंगे. इज इट क्लियर बेटा? यस ये थोड़ी सी है बट आपको एक दो बार इसको करोगे एंट्रीज को तो क्लियर हो जाएंगी. April 20 रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 रुपीज इंटरेस्ट. ये देखो उसने, अब रमेश ने हमें देना कितना था, 12020, राइट? ये देना था प्लस उसने 60 रुपीज हमें इंटरेस्ट दिया है. तो उसने हमें कितना पे किया, 12080. देखो हम आगे अमाउंट बन गया ना, दिस प्लस 60, 12080. ये रमेश ने हमें चेक से पेमेंट की है और जो 60 रुपीज है वो इंटरेस्ट मिला है हमें. तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, April 22 हमारे पास चेक आया. अब हम ये देखेंगे चेक हमने आगे डिपॉजिट तो नहीं करवाया, नहीं. इट मींस हम ये बोलेंगे कि ये डायरेक्टली हमने उसी दिन बैंक में डाल दिया, तो हम चेक्स इन हैंड नहीं लिखेंगे. वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट. कितने का चेक मिला है हमें, 12080 का, टू रमेश. अब रमेश कितने से हम लोग क्रेडिट करेंगे, 12020 से. और जो 60 रुपीज वो हमारी इनकम है वो है इंटरेस्ट. राइट? तो रमेश ने हमें 12020 दिया प्लस उसने हमें 60 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, तो हमने कितना रिसीव किया, 12080. सॉरी, ये April 20. उसके बाद April 21 कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट. हम एक कस्टमर है हमारा राजा, उसने डायरेक्टली कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में हमारे मनी आई, टू राजा क्योंकि राजा ने हमारे उसमें डिपॉजिट करवा दिया. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजा 8,000 से हम उसको, हमारे पास कैश तो आया ही नहीं ना, वो तो सीधा बैंक में चला गया. बैंक ड्राफ्ट इश्यूड इन फेवर ऑफ मैसर्स लाल एंड सन्स 5,000, बैंक चार्जेस 700. वेन एवर वी हैव टू मेक द पेमेंट तो हम चेक की बजाय बैंक ड्राफ्ट भी इशू कर सकते हैं, और वो
बैंक ड्राफ्ट इशू किया है, चेक इशू किया है, वो सब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ही होती हैं। तो आपकी अप्रैल 23 को क्या हो गया, बैंक ड्राफ्ट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स, तो हमने पेमेंट की है। तो मेसर लाल एंड सन्स डेबिट कितनी पेमेंट की है हमने उनको, 5,000। बैंक चार्जेस, बैंक ने हमसे चार्ज किए हैं कुछ पैसे, बैंक चार्जेस डेबिट 700 टू बैंक 5,700। सो मैसेज लालसन को क्यों डेबिट किया है, क्योंकि वो रिसीवर है। बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस हैं और बैंक से कितने कम हो गए, 5,700। तो द एंट्रीज विल बी मैसेज लाल एंड सन्स डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड टू बैंक। अप्रैल 28 बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 3,800। नॉर्मली क्या होता है कि जो अगर आपको याद हो, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज किया था कि जब हम गुड्स बेचते हैं या खरीदते हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट या डेटर की बजाय हम एक बिल लिख के दे देते हैं कि हम मैं इतने दिनों के बाद पेमेंट करूंगा, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब हमने मान लो उसने 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है, लेकिन वी आर इन नीड ऑफ फंड्स, तो हम पहले बैंक के पास जाके उसको मोर्टगेज करके गिरवी रख के उसको बैंक को दे के हम लोग वो मनी जो है उसके अगेंस्ट बैंक से ले सकते हैं। तो बैंक क्या करता है, बिल के अमाउंट से कम मनी हमें देता है क्योंकि वो उसमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है। अब यहाँ पे बिल कितने का है, 4,000 का, और वो ड्यू था 1 मंथ के बाद, मतलब हमें उस बिल की पेमेंट मिलनी थी 1 मंथ के बाद, लेकिन हमने अभी बैंक से उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए हैं और वो हमें कितने मिले हैं, 3,800। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 3,800 हमें मिले, 200 जो है वो बैंक के चार्जेस हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। टू बिल्स रिसीवेबल, अब वो बिल रिसीवेबल हमने बैंक को दे दिया, इसलिए हमारी एसेट कम हो गई। सो व्हाट वी डिड, बैंक से हमें 3,800 रुपी मिले हैं, 200 का हमें लॉस हुआ है, और जो बिल हमारे पास पड़ा हुआ था वो हमने 4,000 का बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, इसलिए वो हमारे कम हो गया। अप्रैल 30 बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट किए हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो जनरल एंट्री विल बी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये नॉर्मल आपके बैंक की एंट्रीज हो गई 400। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000 एंड हाफ प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन टू बैंक, हमने गुड्स सोल्ड की है 7,000 से, लेकिन हाफ जो सेल्स की वैल्यू है वो हमने सीधा बैंक में डाल दी। इट मीन्स कि हाफ आपको कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, हाफ आपने बैंक में डाल दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 7,000, 3,500 कैश में चला गया और 3,500 बैंक में चला गया। आई नो दिस इज समवट ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि नए नए चीजें हैं, जैसे चेक्स इन हैंड आया आपका, ठीक है, फिर ये वाला जो है इंटरेस्ट मिला रमेश को, बैंक चार्जेस हमने ऐड किए हैं, बट एक दो बार इस क्वेश्चन को करोगे तो थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। वही मैं पूछ रही ना, इफ यू हैव एनी डाउट किसी भी पॉइंट में तो यू कैन आस्क मी,
मैं उसको और क्लियर करूंगी, ठीक है? अब जैसे ये मैं मानती हूँ कि इसमें जैसे कुछ टर्म्स है वो बिल्कुल नहीं है, जैसे चेक्स इन हैंड है या बिल्स रिसीवेबल है, दीज आर द न्यू टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स अभी आगे चैप्टर्स आएंगे ना उनमें और ज्यादा क्लियर होगी आपकी बिल्स रिसीवेबल वगैरह। बट आपको बाकी जैसे बैंक आएगा, कैश आएगा, या दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, उसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। That is so for the basic but हाँ सो अप्रैल क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके क्लियर है? इसको आप आई विल सेंड यू द पिक्स, तो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक? yes. ठीक है, मैं इसकी पिक भेज देती हूँ, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन होगा और आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे। हाँ जी, हाँ जी बेटा, द नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। देखो नाम से तो दोनों ही डिस्काउंट लगते हैं, कैश डिस्काउंट तो हमने किया हुआ है, ठीक है? हमने किया था ना डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। रिमेम्बर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड? हाँ बताओ वो कब होता है? जब हम कैश पेमेंट्स लेते हैं, है ना, रिसीव करते हैं या पे करते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन बल्क परचेजेस, मतलब जब हम लोग लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स बाय करते हैं, बल्क में बाय करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? लार्ज क्वांटिटीज में जब हम गुड्स बाय करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या है जो ट्रेड डिस्काउंट, एक तो वो बल्क परचेजेस पे होता है डिसकैलकुलेट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट आर अलाउड टू रीसेलर्स। रीसेलर्स का मतलब है कि जिन्होंने आगे गुड्स बेचनी है, फॉर एग्जांपल होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, तो मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर्स को देंगे, होलसेलर्स रिटेलर्स को देंगे, तो रीसेलर्स को ये अलाउ किया जाता है। थर्ड थिंग, इट इज अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, दैट इज एमआरपी। एमआरपी पे अलाउ किया जाता है, लिस्ट प्राइस के ऊपर ये ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। द फोर्थ थिंग अबाउट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स, ये हम बुक्स में शो नहीं करते हैं, बट नेट नेट अमाउंट इज शोन। नेट अमाउंट का मतलब है आफ्टर डिडक्टिंग दिस डिस्काउंट द अमाउंट, नेट अमाउंट इज शोन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दिया हो गुड्स परचेस्ड ₹10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पे आ गया ट्रेड डिस्काउंट वर्ड, तो गुड्स परचेज की एंट्री क्या होती है पहले जो ये बताओ, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेजिंग गुड्स? इसमें परचेजेस अकाउंट होगा या कैश? परचेजेस, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू
नाम गिवन है ना, तो जर्नल एंट्री इज फाइन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन अब हम ट्रेड डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, हम इस 10,000 में से का 10% माइनस करेंगे. दैट इज हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा 10,000 इज द लिस्ट प्राइस, ठीक है, 10,000 का 10% 1,000 इज द ट्रेड डिस्काउंट. तो नेट फिगर कितनी आ गई हमारे पास, 9,000. ये हमारे पास परचेजेस है. नाउ वी वॉन्ट शो 10,000, वी विल शो 9,000. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन, दैट नेट अमाउंट इज शोन. नेट अमाउंट का मतलब है कि अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, राइट. सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं गुड्स सोल्ड रुपीज 20,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर एक्स. अब जर्नल एंट्री बताओ पहले सेल्स की. बेटा अगेन नेम इज गिवन ना, तो जब नेम गिवन हो तो हम कैश नहीं लेते. यहाँ पे हु इज द रिसीवर, मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, ठीक है. टू कैश, नो बेटा कैश तो आएगा ही नहीं बिकॉज हमने कैश रिसीव. इसमें दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है बताओ, आइडेंटिफाई करने. अच्छा आप बेटा आप आइडेंटिफाई करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रिक अपनाओ ना. अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आती गुड्स सोल्ड 20,000 टू मिस्टर एक्स, तो कौन से दो अकाउंट्स होते, डेबिट. ओके डेबिट हो गया. डेबिट डेटर क्यों हुआ, क्योंकि मिस्टर एक्स था, है ना, मिस्टर एक्स इज अ डेटर ना. और दूसरा स्टॉक, लेकिन यहाँ पे हम स्टॉक को या तो परचेजेस लिखेंगे या सेल्स लिखेंगे, राइट. जर्नल एंट्री में स्टॉक वर्ड को हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, एक परचेजेस में और एक सेल्स में. ये दो अब स्टॉक की जगह हमें ये दो अकाउंट्स ओपन करने हैं. अब यहाँ पे क्योंकि सोल्ड है तो हम कौन सा अकाउंट करेंगे, सेल्स, राइट. अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मिस्टर एक्स डेटर है. अब डेटर हमारी एसेट होती है और ऑल एसेट्स डेबिट होते हैं, इसलिए मिस्टर एक्स को हमने डेबिट कर लिया टू सेल्स अकाउंट. अब इसमें अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट के लिए हम 20,000 में से माइनस करेंगे 5% ऑफ 20,000, क्योंकि ये हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट. राइट, सो 20,000 माइनस, इसको कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट 1,000, तो वो 19,000 हो जाएगा. क्लियर है बेटा, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का ही कंसेप्ट अपनाना है, फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है. उसके लिए फिर वो रूल है ना हमारे एसेट्स वाले, कि एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट होगी, अगर कम होती है तो क्रेडिट होगी. क्लियर है? Yes. अब कैश डिस्काउंट के लिए हम
आपको ये तो पता ही है कि कैश डिस्काउंट कब अलाउ किया जाता है, व्हेन एक्चुअल कैश इज रिसीव्ड और पेड, दैट इज कैश पेमेंट्स और कैश रिसीट्स के ऊपर कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स के ऊपर। इट मींस कि हम कैश डिस्काउंट अगर लिखा है, हम तभी ही अलाउ करेंगे अगर हमें एक्चुअल में कैश मिल रहा है। अगर हमें एक्चुअल में कैश नहीं मिल रहा है तो हम उसको नहीं अलाउ करेंगे। और अलाउ के लिए जो कैश डिस्काउंट है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, राइट? ठीक है। अब जैसे मान लो आपको आ जाती है, इसी को मैं आगे फर्दर अगर लिख देती हूँ, गुड्स परचेज 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो पहले ये नोट डाउन कर लो बेटा, फिर मैं आगे क्वेश्चन इसका और करवाती हूँ फर्दर। को क्लियर हो जाए और ज्यादा। जैसे आपको दिया हो गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। मिस्टर एक्स वॉज पेड इमीडिएटली, नाउ हियर यू आर गिवेन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बोथ, राइट? यहाँ पे कैश डिस्काउंट इसीलिए देंगे क्योंकि उसे हमने पेमेंट कर दिया। अगर ये लाइन नहीं होती तो हम 2% कैश डिस्काउंट नहीं देते उसको। नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, आपके पास लिस्ट प्राइस कितना है? 20,000, उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे कितना है? 10%, 10% इसका, दैट इज 2,000। तो आपके पास 18,000 की गुड्स आ गई, परचेजेस, राइट? अब क्योंकि सारी पेमेंट कर दी है तो इसके ऊपर हम कैश डिस्काउंट लगाएंगे, 18,000 का 2%, दैट इज द कैश डिस्काउंट, दैट इज 360। तो आपने एक्चुअल अमाउंट कितना पे किया उस पर्सन को? 1764। ईयर दिस इज द अमाउंट पेड। ये कैलकुलेशन देखो बेटा, समझ आ गई आपको कैसे किए मैंने? यस मैम। ओके, नाउ जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गुड्स परचेज की है, अब कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? देखो इसमें इसमें एक पर गुड्स इन्वॉल्व है, एक डिस्काउंट इन्वॉल्व है और एक कैश इन्वॉल्व है, राइट? ठीक है ना। गुड्स गुड्स इन्वॉल्व है, दैट इज स्टॉक इन्वॉल्व है, लेकिन उसे हमें परचेजेस लिखना है। और हमने पेमेंट की है तो कैश गया, तो कैश गया तो वो क्रेडिट होगा। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री नाउ? हाँ बोलो। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वो हमारा लॉस हो गया ना हमें। अच्छा, अब अकाउंटिंग इक्वेशन और इसमें क्या डिफरेंस है? अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉफिट और लॉस कैपिटल में जाते हैं, लेकिन इसमें हम नेम से लिखते हैं, उस प्रॉफिट या लॉस का नेम लिखते हैं। अब परचेजेस में जाएगी जाएगी 18,000 ये फिगर, डिस्काउंट में जाएगा 360 और अमाउंट पेड में जाएगा 1764, राइट?
ओके अब एक और देखो, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम मिस्टर ए एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. राइट, ये ऊपर वाला. उसके बाद उन्होंने लिख दिया है हाफ द पेमेंट इज मेड इन कैश. अब यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है, लेकिन जो ये कैश डिस्काउंट है ये किस पे लगेगा? सिर्फ उस पे जो उसने पेमेंट की है. कैश डिस्काउंट इज ओनली ऑन द पेमेंट्स, पूरे पे नहीं लगेगा. जितनी पेमेंट हमने की है उस पर्सन को उतना लगेगा. अब इसके कैलकुलेशन कैसे करेंगे? लिस्ट प्राइस कितना आएगा बताओ? 30,000. उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, 30,000 का 20%, 6,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया. तो आपकी परचेजेस की वैल्यू हो गई 24,000. अब हमें इस पे इस परचेजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा ना. एक वो पार्ट जो हमने पे किया है और एक वो पार्ट जो नहीं पे किया. तो मैं इस तरह से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. हाफ पार्ट मतलब 24,000 का हाफ एक साइड पे और 24,000 का बाकी का हाफ एक साइड पे. ठीक है, इस पे मैं लगाऊंगी कैश डिस्काउंट और ये हमारा डेटर क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि इसे हमने अभी पे नहीं किया है. अब इस 12,000 पे जो मैंने हमने हाफ पे किया उस पे मैं 2% डिस्काउंट लगाऊंगी, वो आपका आ जाएगा 240. तो हमने एक्चुअल पे कितना किया कैश? 11760. अब इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए? परचेजेस, कैश, डिस्काउंट और क्रेडिटर. क्रेडिटर हमारे लिए कौन है? मिस्टर ए. अब जर्नल एंट्री बनाओ, क्या बनेगी? परचेजेस, अकाउंट, क्रेडिटर. कितने? हाँ जी, बोलो बोलो. कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, राइट, टू डिस्काउंट. बेटा कैश और डिस्काउंट इकट्ठे चलते हैं. अगर हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे. और यस, अमाउंट बताओ. 24,000 इसमें, 1176 डिस्काउंट में 240 और मिस्टर ए में 12,000. क्लियर है? गुड. चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं दो सेल्स की एंट्रीज करवाती हूँ. जा नोट डाउन कर लो, जा मैं भेज देती हूँ बेटा. प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना अनुष्का. ओके. हाँ, क्योंकि मेरे को है कि मैं ये टॉपिक आज करवा दूँ आपको. अब मैं आपको सेल्स वाला करवा देती हूँ. इसी तरह जैसे ये मैंने गुड्स परचेज्ड वाली करवाई है, इसी तरह सेल्स वाली भी होती है. जैसे सोल्ड गुड्स टू अमन
ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक. अब इसकी कैलकुलेशन आप बताओ, मैं लिख रही हूं. सबसे पहले लिस्ट प्राइस कितना आ गया, 30,000. उसके बाद लेस ट्रेड डिस्काउंट, रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 27,000. ये आपकी सेल्स आ गई है ना. अब हमें डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ, लेकिन कैश डिस्काउंट कब लगाएंगे, अगर पेमेंट मिलेगी. और हमें पेमेंट मिल गई, पूरी मिल गई, तो हम पूरे पे डिस्काउंट लगाएंगे. हाँ जी बताओ कितना डिस्काउंट हुआ, 5% ऑफ 27,000. अब माइनस करेंगे 25,650. ये हमारा कैश रिसीव्ड. अब इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैश नहीं चेक से किया तो बैंक लिखेंगे हम, एंड सेल्स, राइट. अब बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगी. अब हमारे पास पैसे आए, गुड्स बेची हैं, तो कैश कम्स इन, और जब भी कैश कम्स इन है तो वो डेबिट होता है. तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट. अब मैंने बोला है बैंक और डिस्काउंट, कैश एंड डिस्काउंट गो साइड बाय साइड, तो आपका डिस्काउंट भी डेबिट होगा. डिस्काउंट रिसीव्ड, नहीं सॉरी, दिस इज अलाउड, लॉस होता है ना हमारा. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स में कितना जाएगा 27,000, बैंक में कितना जाएगा 25,650, डिस्काउंट में जाएगा 1,350. नेक्स्ट लिख है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर पी ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट and 5% cash discount one third payment is received. अब इस क्वेश्चन में हमें, हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, लेकिन पेमेंट कितनी रिसीव की है, ओनली 1/3, और कैश डिस्काउंट इस पेमेंट पे ही लगेगा, है ना. हाँ जी बताओ अब मुझे लिस्ट प्राइस में कितना आएगा, 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, तो ये 36,000 की सेल्स हो गई. अब हमें इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ना.
एक वो पार्ट जो हमने रिसीव कर लिया और एक वो पार्ट जो नहीं रिसीव किया. तो इस 36,000 का 1/3 हमारा एक साइड पे आ जाएगा और जो बच गया वो दूसरी साइड पे. अब इसका 1/3 कितना हुआ? What is 1/3 of 36,000? 12,000. ये हमने रिसीव किया है. जो बाकी बच गया 36 में से 12,000 निकाल के, दैट इज 24,000, वो हमारा डेटर है क्योंकि वो हमने अभी रिसीव नहीं किया. और जो कैश डिस्काउंट है वो इसके ऊपर लगेगा. कितना आएगा डिस्काउंट देखो, 5% ऑफ 12,000. तो हमने कितना कैश रिसीव किया है? 11,400. अब इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है हमारे बताओ. और ये डेटर भी. डेटर कौन है हमारा? मिस्टर पी. बताओ अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी. कैश रिसीव किया है ना, तो कैश आएगा तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट. और बाकी के अकाउंट्स डिस्काउंट कैश और डिस्काउंट इकट्ठे आएंगे. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. और जो योर डेटर है मिस्टर पी वो भी तो डेबिट होगा ना, डेटर है आफ्टर ऑल. वो भी एसेट बढ़ गई ना हमारी, ये एसेट ही होती है ना डेटर. टू सेल्स अकाउंट. अब सेल्स में हमारा आएगा 36,000. कैश में कितना आएगा? 1,400. डिस्काउंट में 600. और मिस्टर पी में 24,000. देखो क्लियर है? यस. ठीक है, तो आपने पेमेंट सिर्फ तभी करनी है, सॉरी कैश डिस्काउंट तभी देना है अगर पेमेंट रिसीव हो रही है. अगर नहीं हो रही है तो हमने यहीं तक की फिगर डालनी है. ठीक है, क्लियर है? यस. ओके, वेरी गुड. अब आपने क्वेश्चन नंबर लिखो कौन सा करना है. और जब आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने है ना, तो आप बेटा उसी को लेके करो, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले अकाउंट्स कॉन्सेप्ट से. और आपको उसमें ये दे, बस ये अकाउंट्स आइडेंटिफाई होने के बाद आपको ये देखना है कि वो अकाउंट पे कौन सा रूल अप्लाई करना है आपने. राइट, कि वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, एसेट है कैश है क्या है, वो रूल्स मैंने जो आपको करवाए थे. हाँ, अच्छा आप क्वेश्चन नोट डाउन करो, आपने जो करने हैं इससे रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज योर होम.